वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल, बोलो जुबां केसरी। लोकसभा चुनाव अपने अंतिम दौर में पहुंच चुका है। राजस्थान में शुरुआती दो चरणों में ही चुनाव संपन्न हो गए थे, लिहाजा अब सभी को इंतजार है 4 जून को आने वाले नतीजों का। लेकिन इसी बीच चर्चा कई बड़े चेहरों के राजनीतिक भविष्य को लेकर होने लगी है। प्रदेश में पिछले दो बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था कि इस बार जहां उसे हैट्रिक की आस है, वहीं कांग्रेस बीजेपी की हैट्रिक रोकने का दावा कर रही है। अब दोनों ही दलों में किसके दावे चरित्रार्थ होंगे, ये 4 जून के नतीजे ही तय करेंगे। लेकिन इस सबके बीच प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की राजनीतिक सक्रियता को लेकर एक बार फिर चर्चा जोरों से है। 2024 के लोकसभा चुनाव में जहां राजस्थान बीजेपी के नेता न केवल प्रदेश बल्कि अन्य राज्यों में भी चुनाव प्रचार का जिम्मा संभाल रहे थे, वहीं कहा जा रहा है पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने राजस्थान में भी केवल एक ही सीटों पर आजमाइश दिखाई। माना जा रहा है ऐसे पहली बार हुआ है कि पूर्व सीएम और बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे किसी भी राज्य में चुनावी प्रचार के लिए नहीं गई। यहां तक कि राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में से उन्होंने सिर्फ झालावाड़ 12 की सीट पर ही ध्यान केंद्रित रखा था। इसके पीछे की वजह यह थी कि राजस्थान ने राज्य का किसी भी सीट पर कोई दौरा नहीं बनाया था। वहीं प्रदेश के अन्य नेताओं को राजस्थान के बाहर कई सीटों पर प्रचार प्रसार के लिए भेजा जा रहा है। अगर इससे पहले के लोकसभा चुनावों का अलंकन किया जाए तो राज्य न केवल सक्रियता सहती थी बल्कि वो खुद चुनाव का जिम्मा अपने हाथों में रखती थी। ऐसा पहली बार नहीं है जब राज्य की राजनीतिक सक्रियता को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इससे पहले जब प्रदेश में कांग्रेस का शासन था तो भी बीजेपी के किसी प्रदर्शन में उनकी भूमिका को लेकर चर्चाएं होती रही हैं। यहां तक कि उनके पोस्टर में होने और नहीं होने को लेकर भी सुर्खियां बनी। वसुंधरा राजे ने राजस्थान में अपना पहला चुनाव 1985 में धौलपुर विधानसभा सीट से लड़ा और जीत दर्ज की, लेकिन अगली बार उन्होंने झालावाड़ लोकसभा सीट से सांसदी का पर्चा भरा। फिर 2003 तक वो यहां से लगातार सांसद चुनी गई। 2003 के विधानसभा चुनाव में पहली बार राजे को प्रदेश में गहलोत सरकार के खिलाफ चेहरा बनाकर उतारा गया और केंद्र की अटल सरकार में मंत्री राजे ने अपने बाबू सा यानी तत्कालीन राष्ट्रपति भैरव सिंह को निराश नहीं किया। 1998 में 156 सीटें जीतने वाली कांग्रेस को राज्य ने 56 सीटों पर ही समेट दिया। 2003 के बाद 2013 में भी राज्य का ये जलवा बरकरार रहा। इसे चुनाव में तो राज्य के नेतृत्व वाली बीजेपी ने सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी को 21 सीटों पर समेटते हुए 163 सीटें जीती। अगले साल के लोकसभा चुनाव में ये जलवा तब और सर चढ़ा जब प्रदेश की सभी 25 लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने कब्जा जमाया। ये वक्त था जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और राजस्थान में उनके 20 सांसद थे, लेकिन राज्य की 2013 वाली आंधी 14 में से बरकरार रही। लेकिन माना जाता है बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व से उनकी कभी नहीं बनी। फिर चाहे वो बीजेपी के अध्यक्ष रहे राजनाथ सिंह का दौर था, चाहे मौजूदा बीजेपी के आला नेतृत्व, बीते विधानसभा चुनाव में भी राज्य को मुख्यमंत्री पद का प्रबल दावेदार माना जा रहा था, लेकिन इसके बाद क्या हुआ उसका पूरा देश गवाह है। अब क्या राज्य राजनीति से संन्यास की ओर बढ़ चली हैं? फिलहाल इस सवाल का जवाब तो राज्य के मन में ही है, लेकिन उनके सक्रिय नहीं होने से उनके समर्थक जरूर निराश माने जा रहे हैं। वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल, बोलो जुबां केसरी।